आज जो हमारा काम है उसमें जो प्लान है वो ये है कि सारे रोमांटिक पोएट्स जितने रह गए हैं उन सबको कर लिया जाए, और उसके बाद क्लासिकल पोएट्री का जो कोर्स है उसको भी ज़रा हम वाइंड अप करें आज। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चल शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से। अच्छा, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ये दो बंदे जो हैं इनको हम सबसे पहले क्यों लिखते हैं? यानी कि जब भी आप रोमांटिक एज का जिक्र सुनते हैं तो इनके अंदर आपको दो बंदों का नाम सबसे पहले आता है, कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ। और उसकी वजह ये है कि जो इन दोनों ने मिलके एक बुक पब्लिश की थी, लिरिकल बैलेड्स, 1798 में। ठीक है, ये इसकी डेट भी आप याद रखें लिरिकल बैलेड्स की, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, इसलिए आपको इसका याद होना चाहिए कि इसकी डेट क्या थी। अच्छा जी, लिरिकल बैलेड्स के अंदर ये मैंने कहीं पहले पढ़ाया तो नहीं है? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये आपको अच्छा, इसकी डेट डेट में बता देता हूँ, 1798। सही, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये पहले कर लिया हमने। अच्छा खैर, तो लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन के बाद रोमांटिक एज एक तरह से स्टार्ट है, इसलिए होती है कि यहाँ पे पोइट्री को डिफाइन किया जा रहा है एक नए अंदाज से। ठीक है, और ये बात हमने मेरा ख्याल है पिछले लेक्चर में की थी कि पोइट्री को डिफाइन किस तरह किया जा रहा था। जो पुराने जमाने के जो लोग थे, यानी कि जितने ही पिछले राइटर्स थे, वो सब किसी ना किसी तरह पिछले ट्रेंड्स को फॉलो करते आ रहे थे, और कोई भी इस तरह नहीं सोच रहा था कि हम लिटरेचर को डिफाइन करें, हम पोइट्री को डिफाइन करें, यानी कि लिटरेचर की डेफिनेशन के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। तो तब ये पब्लिकेशन इसकी हुई है लिरिकल बैलेड्स की, और इसके अंदर इन्होंने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया था कि पोएट्री जो है उसके क्या पर्पजेज होने चाहिए, और उसके पर्पजेज में इन्होंने जो खास तौर पे जो कॉलरिज था उसकी जो थिंकिंग थी, और वर्ड्सवर्थ, ये दोनों की यानी कि कंबाइंड एफर्ट ही थी। और थिंकिंग इनकी ये थी कि पोएट्री जो है वो एक इमेजिनेटिव वर्क है, और इसके अंदर अब कॉमन मैन की बात करनी चाहिए, नेचर के साथ कनेक्शन डेवलप होना चाहिए, और कॉमन मैन की लैंग्वेज इसलिए डेवलप करनी है कि कॉमन एक्सपीरियंसेस से आप जिंदगी को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये इनका असल में पॉइंट ऑफ व्यू था। अब कॉमन लाइफ को अगर आपने देखना है या स्टडी करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए इनको नेचर के करीब होना पड़ेगा और कॉमन मैन के करीब होना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमें वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा, एज पोएट्स अगर हम इनको देखें तो वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा आपको डेप्थ वाला पोएट जो है वो आपको मिलेगा कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा यानी कि उसके अंदर आपको मिलेगी डेप्थ, लेकिन वर्ड्सवर्थ की एक तो लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी इसकी उम्र थी, और दूसरा ऑलमोस्ट 80 ईयर्स इसकी एज है, और दूसरी बात यह है कि इसकी लाइफ जो है वो बड़ी कॉम जो है ना वो प्लेसिड थी, कोई उसमें उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आए जिस तरह के लाइफ हम आज देखेंगे, लॉर्ड बायरन है या शैले है और कीट्स है। ठीक है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम और कोई डिजीज इस बंदे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कॉलरिज भी, इवन कॉलरिज जो है वो भी मेंटली और मेंटली स्टेबल तो इस सेंस में तो था कि वो लिख रहा है और सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इमोशनली स्टेबल नहीं है वो। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो इस दौर के शायरों में अगर किसी में है तो वो सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ में है, जिसकी लाइफ जो है वो एक सही पैटर्न पे चल रही है, एक प्लेसिड तरीके से चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने पिछले एक दो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, कि एडमंड बर्क और इस तरह के जो राइटर्स थे वो रेवोल्यूशंस के खिलाफ लिख रहे थे, क्योंकि उस दौर में फ्रेंच रेवोल्यूशन का बड़ा एक शोर था और बड़ा प्रेशर था, पूरे इंग्लैंड के अंदर उसका जो है ना वो चल रहा था, चर्चा था। तो ये जो पोएट्स थे, खास तौर पे विलियम ब्लेक और वर्ड्सवर्थ, और सॉरी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ये दोनों पोएट्स ज्यादा इंस्पायर हुए उस आइडियल से, और एक आइडियल स्टेट के बारे में सोचने लग पड़े जिस तरह के कॉमन मैन जो है वो उसकी बेहतरी आ जाए। अब वो क्यों कॉमन मैन की बेहतरी सोच रहे थे? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से कॉमन मैन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, और एक
पॉवर्टी का बहुत ज्यादा सिलसिला चल निकला था, जिसकी वजह से उनको ये फील हो रहा था कि हमें भी एक ऐसी रेवोल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। और रेवोल्यूशन का आपको पता है कि उसके वो स्लोगन क्या था, इक्वालिटी फ्रटर्निटी एंड लिबर्टी, ठीक है, या इसको किसी भी तरतीब से आप पढ़ लें, वर्ड्स ये तीन ही थे। तो ये तीन वर्ड्स जो है पूरे इंग्लैंड के अंदर इसकी जो है ना वो आपको नजर आती है। अच्छा, अब अगर इसकी लाइफ को देखा जाए, ये जो है वर्ड्सवर्थ, इसकी अगर आप लाइफ को देखें तो हम इसको अगर डिवाइड करना चाहें कि किस तरह इसको डिवाइड किया जाए, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई बड़ा इंसिडेंट है नहीं, ठीक है, कोई बहुत बड़े बड़े इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो होते हैं वैसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इसको फोर मेजर कैटेगरीज या टाइम पीरियड्स में इसको डिवाइड जो है ना वो कर लेते हैं। और उसके अंदर एक जो इसका यूथफुल पीरियड है, ठीक है, जिसमें इसकी चाइल्डहुड और यूथफुल वाली सारी चीज़ें, यूथफुलनेस वाली चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका वो टाइम पीरियड है जो रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें ये बाहर भी सफ़र कर रहा था, रेवोल्यूशन के एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है। और ये इसका टाइम पीरियड 17 यानी कि जो थी ना 1789 में आई है रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उससे पहले पहले इसका ये गया था और इधर उधर यानी कि यूरोप में सैर करने के बाद ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ रेवोल्यूशन से, ठीक है, ये सेकेंड इसका टाइम पीरियड था। और फिर जो थर्ड टाइम पीरियड है उसके अंदर ये एक और दौर में दाखिल हो जाता है, जहाँ पे रेवोल्यूशन से जो है ना वो जिस तरह मायूस हो गया और सब लोग ही ये मायूस हुए थे, जाहिर बात है कि एक रेवोल्यूशन के बाद एक वॉर्स का सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है, और नेपोलियन ने एक डिक्टेटर के तौर पे उसने सारा कुछ वही करना शुरू कर दिया जिसके वो खिलाफ खड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से ये अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जो है ना वो आ गया, पहले एक आइडियल को ढूंढ रहा है एक फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है, और उसके बाद आइडियल को अब अपने अंदर तलाश करना, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि नेचर के करीब ये यहाँ पे हुआ। और उसके बाद ये बहुत लंबा अरसा अपने जो घर था, यानी कि ये 19th सेंचुरी के शुरू से ले गए, ये अगले 40-50 साल जो है ना वो अपने घर में बैठा रहा वो वहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और लेक डिस्ट्रिक्ट जो है इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ पे बंदा जाके वैसे ही जो है वो पोएट बन जाता है। ये जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं इन्होंने अपने घर ही ऐसी जगहों पे रखे हुए थे और वहाँ पे रह रहे थे जहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है और उसके अंदर अट्रैक्ट होना एक बंदे के लिए एक इम्पॉसिबल है कि बंदा कहे मैंने अट्रैक्ट नहीं होना इससे, ठीक है, तो अट्रैक्ट बंदा ऑटोमेटिकली उसकी तरफ हो जाता है और इसी वजह से फिर इनकी पोएट्री के अंदर जो भी सारा नेचुरल एलिमेंट है वो आपको नजर आता है। अच्छा, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें पॉइंट है कि ये 1843 में इसे पोएट लॉरेट बना दिया गया था, ठीक है, 1843 में, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपसे ये सवाल वो कर सकता है, वर्ड्सवर्थ के बारे में सवाल तो लाजमी आएगा और मेजर पोएट है इसलिए। अच्छा, अब इसके अगर वर्क की तरफ आप देखें तो इसने ना प्लान ये इसने किया था, एक तो इसकी शॉर्टर पोएम्स हैं, ठीक है, अगर आपने वर्ड्सवर्थ को सही एंजॉय करना है तो आप इसकी शॉर्ट पोएम्स जो हैं उनकी कलेक्शन के अंदर आप इसको देख सकते हैं, जो इसका वर्ड्सवर्थ द मैन या वर्ड्सवर्थ जो भी उसकी नेचर की थिंकिंग है वो सारी आपको इसकी स्मॉल शॉर्ट पोएम्स के अंदर नजर आती है, ठीक है, जिस तरह डेफोडिल्स है और सॉलिटरी रीपर है, ये आपने बड़े जो है ना वो सुनी होंगी, उसके अलावा ओ टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है और इस तरह के इंटीमेशन टू इमॉर्टैलिटी, और इसी तरह लीच गैदरर वाली इसने जो एक करेक्टर डेवलप किया, बड़ा ज़बरदस्त करेक्टर है इसका। तो ये बहरहाल हम इसको देखेंगे, ये जो इसकी जो मेजर पोएम्स है ना उनको हम जब कोर्स करते आएंगे तो फिर इसको भी हम जरा देखेंगे रोमांटिक पोएट्री में। अच्छा, इसने प्लान ये किया था कि द रिक्लूस के नाम से ये जो है ना वो अपनी पोएट्री को पब्लिश किया करेगा, द रिक्लूस। अच्छा, इसके अंदर ये अपनी ये बड़ी किताब है और इसके अंदर वो ये प्लान कर रहा था कि वो शॉर्ट पोएम्स लेके आएगा और जिस तरह फर्ज करें द प्रिल्यूड इसकी, बल्कि फर्ज क्या करना, ये तो हकीकत में इसने किया था, द प्रिल्यूड इसकी जो पोएम है जिसके अंदर हमें नजर आता है कि इसके माइंड की ग्रोथ किस तरह हो रही है, ठीक है, प्रिल्यूड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना इसकी पोएम है, द प्रिल्यूड, ये इसकी द प्रिल्यूड, ये
पोएम जो इसने पब्लिश की थी इसको इसने रिक्लूज की द रिक्लूज की फर्स्ट बुक में शामिल किया, ठीक है, यानी कि द रिक्लूज उसका नाम लिखा बड़ा और उसके अंदर इसने द प्रिल्यूड जो है वो पोएम के नाम से एक लंबी नज़म शाया की, ठीक है, बहुत लेंथी ये थी। दूसरी पोएम इसने जो शाया की वो द रिक्लूज के ही सेकेंड वॉल्यूम में इसने शाया की और वो थी द एक्सकर्शन, द एक्सकर्शन। अच्छा जी, सॉरी मैंने ये मैं लिख ही देता हूँ। अच्छा जी, और उसके बाद जो उसका थर्ड प्लान था कि मैं थर्ड बुक भी लिखूंगा तो वो इनकम्प्लीट ही रह गया, वो इससे हुआ नहीं, ये कर नहीं सका और ये कभी भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ विलियम ब्लेक, क्योंकि वो प्री रोमांटिक्स में हम उसे देखते हैं, जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं इनमें से किसी के भी वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, यानी कि इनका फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा था वो ये कंप्लीट नहीं कर सके, इनकम्प्लीट इन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा है, ठीक है। जिस तरह कीट्स का आपने हाइपेरियन देखा होगा, ठीक है, तो हाइपेरियन जो है उसका कंप्लीट नहीं है, और इसी तरह शैले की पोएट्री भी कोई हमें कंप्लीट उसका नहीं नजर आता कि जहाँ पे उसकी फिलोसफी डेवलप हो चुकी। उसकी वजह एक ये भी है कि ये लोग अपने मैच्योरिटी से पहले ही जो है ना इनकी डेथ हो जाती थी। ये एक शैले जो था वो 30 साल का था, कॉलरेज ये सॉरी कीट्स जो है वो 25 साल का था, और लॉर्ड बायरन जो है वो शायद 35 ईयर्स का था। तो ये इतनी थोड़ी थोड़ी यानी कि इनकी एजेस थी और इस वजह से शायद इनकी वो मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुई और ये उससे पहले इनकी डेथ हो जाती थी। अच्छा खैर, तो वर्ड्सवर्थ की अगर आपने शॉर्टर पोएम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कलेक्टेड इसकी जो वर्क्स हैं उस तरह पब्लिश किया उन्होंने, और अभी भी ये इसकी जो कलेक्टेड वर्क्स हैं वो आम यानी कि मिल जाते हैं, कोई इतना ऐसा नहीं है। बहुत ही ये रीडिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बहुत मशहूर पोएट्स में से एक है कि इसकी पोएट्री बहुत पढ़ी जाती है, ठीक है, और लॉन्गर पोएम्स की वजह से मशहूर नहीं है, शॉर्टर जो पोएम्स हैं उनकी वजह से मशहूर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर वो क्वेश्चन कैसे कर सकता है क्योंकि शॉर्टर पोएम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो पोएट्स होते हैं या इस तरह के जो राइटर्स होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन वो पूछते हैं जनरल सा क्वेश्चन, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि लिरिकल बैलेट्स का, और यहाँ आपसे पूछ सकते हैं लिरिकल बैलेट का प्रेफेस किसने लिखा था, ठीक है, तो वो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि ये पोएट लॉरेट कब बनाए, ठीक है, ये भी एक पूछा जा सकता है, और उसके अलावा किसी बड़े जो वर्क है जिस तरह ये प्रिल्यूड है या द एक्सकर्शन है, इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं लाइन्स कंपोज ऑन वेस्टमिंस्टर और इस तरह की जो बड़ी मशहूर पोएम्स हैं इसकी, उनके ऊपर जो है ना थोड़ा बहुत सवाल वो कर सकता है, लेकिन ज्यादा डेप्थ के अंदर ये सवाल ये नहीं आपसे सवाल होगा कि प्रिल्यूड के आगे जो है ना वो और ज्यादा डेप्थ में जाकर सवाल करना शुरू कर दें, ठीक है, इस तरह होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्कोप में नहीं आएगा, पेपर का जो स्कोप है वो पूरे लिटरेचर का है, तो इसलिए इस तरह की जो है ना वो चीज़ें नहीं देगा। अब प्रॉब्लम जो हमारे पास अब से जो शुरू हो रही है ये इन पोएट्स से और आगे चलती रहेगी कि हर जो राइटर है ना उसके काम बहुत ज़्यादा हैं, उसके वर्क्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले वाले जो राइटर्स थे उनकी 5 पोएम्स हैं, 6 पोएम्स हैं, यानी कि वो लॉन्ग पोएम्स लिखते थे, अब ये शॉर्ट पोएम्स लिखने वाले लोग हैं, ठीक है, एक तो ये बात है। और इनकी बुक्स जो पब्लिश होती थी वो पब्लिश भी इस तरह होती थी कि फर्ज करें कीट्स की जो बुक पब्लिश हुई द लेमिया एंड अदर पोएम्स, ठीक है, अब वो लेमिया एंड अदर पोएम्स के नाम से अब आप कौन सी अदर पोएम्स हैं, वो कोई 250-300 पोएम्स हैं उसकी, ठीक है, वो सारी उसने पोएम्स उसमें पब्लिश की, और इस तरह हर पोएम को अब देखना और उसको समझना जो है बड़ा एक इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इस तरह कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर राइटर की हर वर्क को जानते हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है अब से, यानी कि जो अब अगले जो राइटर्स जितने भी आएंगे। अच्छा, तो इसमें हम किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ पे जो आपके कोर्स की रेलेवेंस है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, कि जितना रेलेवेंट टू कोर्स होगा वही सब कुछ आएगा। तो वर्ड्सवर्थ की जो ज़्यादा कोर्सेज में शामिल है वो बीए के लिटरेचर में है, तो जो बीए का लिटरेचर का कोर्स था, ठीक है, वो पुराना, जाहिर बात है उन्होंने आपसे पिछले वाला सुनना है, पूछेंगे, ये नहीं हो सकता कि आपके एनडीयू बीए क्योंकि खत्म हो गया तो उसको साइड पे कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगली दफा शायद इस तरह हो लेकिन इस दफा अभी ऐसा नहीं हो सकता, तो बीए के कोर्स को, लिटरेचर का जो कोर्स है उसको भी वो थोड़ा सा फोकस करेगा, ठीक है, तो उसमें हम देख सकते हैं वर्ड्सवर्थ को। बाकी कॉलरेज और ये बाकी सारे पोएट्स आपके कोर्सेज में है, हाँ, शैले और लॉर्ड बायरन जो है
ये क्योंकि किसी भी कोर्स में नहीं है, और मेरा ख्याल है शायद सरगोधा के अंदर इसकी कोई एक दो पोइम्स हैं, शैले की पोइम्स हैं, ठीक है, बहरहाल वो हम देख लेंगे, कोई इतना इतना डिफिकल्ट कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नॉवलिस्ट आएंगे आगे, वो सारे नॉवलिस्ट हैं, वो उन्होंने सब ने कोई 7-8 नॉवल्स तो आराम से लिखे हुए हैं, ठीक है। एक ये जो है सर वॉल्टर स्कॉट है, पता नहीं उसने 24 नॉवल लिखे हैं, ठीक है, सर वॉल्टर स्कॉट ने, उसके नॉवल्स का नाम याद करना ये एक मेरे ख्याल में सिर्फ वही कर सकता है जिसने सिर्फ वॉल्टर स्कॉट को ही पढ़ना हो, ठीक है। अगर आपने सारे राइटर्स को आप पढ़ रहे हैं तो वॉल्टर स्कॉट के सारे वर्क्स का नाम, वो उसको क्या कहते हैं, वो वेवरले नॉवल्स जो है ना वो के नाम से मशहूर हुए हैं, ठीक है। तो वो बहरहाल अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे। इसी तरह फिर और भी राइटर्स हैं हमारे पास कि जिनके सारे वर्क्स का सिर्फ नाम पता हो सकता है, हमें ये नहीं हो सकता कि आपको उनकी जो डिटेल्स हैं वो ही पता हो, ठीक है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अक्सर जो है ना फिर बाद में स्टूडेंट्स सारे पूछ रहे होते हैं कि जी अब इसमें से हम क्या करें और इसमें से क्या करें, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि इसमें आप इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, कि हर बंदा जो है वो होंगे कुछ आप में से भी कोई बहुत ही स्ट्रांग मेमोरी वाले होंगे जो याद कर लेंगे ये सब कुछ, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपसे असाइनमेंट्स और ये सारा कुछ कहा वो इसीलिए कहा, इसीलिए है कि आप जब उसको रिवाइज करते रहेंगे, जितनी दफा आप उसको रिवाइज करेंगे वो आपको फर्ज करें पेपर से अगर 2 घंटे पहले भी रिवाइज करें तो आपको कुछ ना कुछ उसमें याद रहेगा। अच्छा जी, तो अब अगला जो पोएट है, टाइम वेस्ट करने की बजाय इनकी सारी डिस्कशन पे हम आगे चलते हैं और अगला पोएट हम करते हैं एस टी कॉलरिज। और एस टी कॉलरिज जो है ये बहुत ही एक रेयर किस्म का एक जो है ना वो स्कॉलर है, पोएट है, कि इसके अंदर एक बहुत ही डेप्थ वाला क्रिटिक मौजूद है, ठीक है, और साथ ही साथ उतना ही बड़ा पोएट भी मौजूद है, ठीक है, ड्रीमर, ड्रीमिंग वाला पोएट है ये, तो एक ड्रीमर है, एक तो ड्रीमर वो उस जैसा है ना विलियम ब्लेक जैसा कि उसको जनाब वो मिस्टिक ड्रीमर है, ठीक है, लेकिन वो चीजों को देखता भी है, स्कॉलिस्टिकली भी देखता है, फिलोसॉफिकली भी देखता है, लेकिन उसके बावजूद वो क्रिटिक नहीं है। लेकिन जो कॉलरिज है ये बहुत जबरदस्त क्रिटिक है, ठीक है, और ये मैं अभी आपको आज बताऊंगा कितना इसने कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो इसने किए थे। अच्छा खैर, इसकी जो सबसे बड़ा इसकी लाइफ के अंदर एक सेटबैक था वो ये था कि इसे गाउट जो है ना वो उसके बीमारी थी, ये यानी कि जो जोड़ों की दर्द होती है, और उसकी वजह से इसने ओपियम लेनी शुरू कर दी, ठीक है, उस जमाने में कोई पेन किलर्स नहीं होते थे और वो यही कहते थे कि आप अफ्यून जो है वो पी लें और उसके बाद आपको किसी और दुनिया में पहुंच जाएंगे, ठीक है, वो दर्द की दुनिया से दूर हो जाएंगे। तो पहले तो वो दवाई के तौर पर लेता रहा, लेकिन बाद में उसको एडिक्शन हो गई, और इतनी ज्यादा एडिक्शन हो गई कि वो पोएट्री के भी कई उसने ऐसी पोएम्स भी हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं लगता है कि ये बंदा अपने ऐसे होश में नहीं था। जिस बड़ी मशहूर जो उसकी पोएम है कुबला खान, उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये जो है ना वो अंडर इफेक्ट ऑफ ऑपियम था जब उसने ये लिखनी शुरू की, और उसको दरमियान में किसी ने इंटरप्ट कर दिया जिसकी वजह से वो पोएम कम्प्लीट नहीं कर सका। वो पोएम कम्प्लीट तो नहीं है, ठीक है, यानी कि उसको एब्रप्ट एंड है उसका, अगर आप उसका एंड देखते हैं तो एब्रप्ट एंडिंग है, तो इसकी वजह से पता लगता है कि वो कम्प्लीट नहीं है। और वो देखें कि इतना अच्छा और पोएट है, या आप समझ लें कि इतना कॉन्शेंटियस पोएट है, कि उसने ये कोशिश नहीं की कि बाद में उस दोबारा उस मूड की तरफ जाने की कोशिश करता या उसको आर्टिफिशियली एंड करने की कोशिश करता, ठीक है, उसने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, और वो पोएम वैसे ही बड़ी मशहूर हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी इमेजरी है बहुत रिच इमेजरी है और ओरिएंटल इमेजरी है, ठीक है, ओरिएंटल इमेजरी को भी हम देखेंगे आज के क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्यों इतना ओरिएंट के साथ ये सब लोग जुड़ना शुरू हो गए थे, और ओरिएंटल जो इमेजरी थी और एग्जॉटिक इमेजरी जो थी वो इन्होंने क्यों यूज करनी शुरू कर दी थी। चलिए अच्छा, इसके जो मेजर जो पोएम्स थी इसकी वो लिरिकल बैलेड्स के अंदर जो इसने पब्लिश किया था वो थी द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ठीक है, जो इसकी बड़ी मशहूर पोएम है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ये पोएम इसकी लिरिकल बैलेड्स के अंदर पब्लिश हुई है, ठीक है, यानी कि ये इसका लेटर वर्क्स में से नहीं है, ये इसके शुरू के वर्क्स में से है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। लेटर जो इसके वर्क्स हैं वो जरा प्रोज की तरफ है, ठीक है, और जो बड़ी इसकी एक और बड़ी मशहूर पोएम है क्रिस्टेबल, क्रिस्टेबल जो है
ये भी अच्छा राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसको हमने भी कोर्स के जब हम कर रहे होंगे तो उसमें भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सुपर नेचुरल के ऊपर उसने लिखी हुई है, ठीक है। मैजिक भी है इसमें, मैजिकल रियलिज्म आप कह सकते हैं जिसे, और सुपर नेचुरल एलिमेंट इसमें बहुत ज्यादा है। और ये सुपर नेचुरल एलिमेंट हमें पिछले जो वो पुराने जमाने के पोइट्स में नजर आता था ना, एंग्लो सैक्सन्स में और एंग्लो नॉर्मन्स में, और उसके बाद जो मेडिवल लिटरेचर था उसके अंदर जो हमें सुपरनेचुरल का एलिमेंट नजर आता था, ये पोएट्स उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो माइथोलॉजी और वो जो सुपरनेचुरल एलिमेंट है ये उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रोमांटिक्स की ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि ये इन्होंने पास्ट के साथ बहुत जो है ना जो एक रोमांटिक जो ताल्लुक था पास्ट के साथ वो भी इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। सिर्फ अपनी एज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि ये पास्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और एक तरह से अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को और जो इनका एक थॉट चलता आ रहा था, इंग्लिश थॉट जिसे आप कह लें या यूरोपियन थॉट जो है, ये उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये एक और फिलोसॉफिकल डिबेट या फिलोसॉफिकल तो नहीं लिटरेरी डिबेट है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड ये डिबेट है। तो इसका पेपर से हमारा वैसे कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि उसने आपसे इस तरह की डिटेल वाले क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, ठीक है, सादे सादे से ही होंगे। तो बहरहाल ये एक सुपरनेचुरल से रिलेटेड है। क्रिस टेबल जो है, अगर उस पोएम को अगर आप देखें तो वो पोएम भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि सुपरनेचुरल से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके अंदर मैजिक के स्पेल में जिस तरह वो एक सॉर्सरर है जिसने एक छोटी सी लड़की को अपने मैजिक स्पेल में लिया हुआ है, ठीक है, क्रिस टेबल। और ये भी एक फ्रैगमेंट है, ये पूरी जो है ना वो पोएम नहीं हुई, पूरी कंप्लीट नहीं कर सका ये पोएम भी, तो फ्रैगमेंट है। लेकिन उस फ्रैगमेंट के अंदर भी जो है ना बहुत ही आपको नजर आता है कि एक पोएट की जो रिच इमेजिनेशन है वो नजर आती है, उसकी जो ड्रीमिंग एबिलिटी है वो सारी इस्टेब्लिश होती है। अच्छा, अब इसके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, अच्छा एक इसका और भी था क्रिस टेबल के अलावा, इसके एक ओ टू डिजेक्शन, वो भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ओड टू डिजेक्शन। इस ओड के अंदर आपको कॉलरिज द पर्सन जो है वो आपको जैसे नजर आएगा, ठीक है, ओड टू डिजेक्शन के अंदर। अच्छा, आप जरा इसके हम जो प्रोज वर्क्स हैं उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है और बड़ा मशहूर है, बायोग्राफिया लिटरेरिया है, और बायोग्राफिया लिटरेरिया आप कह सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट है लिटरेचर के अंदर जो यानी कि क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हो, प्योरली क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हो, और उसने लिटरेचर को सही तरह डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। बायोग्राफिया लिटरेरिया अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो इसको पेपर्स के बाद ज़रूर थोड़ा बहुत इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर इसने किया क्या है, इसके अंदर इसने अपनी पोइट्री को डिफाइन कर रहा है और इसमें बताया है इसने कि किस तरह जो इमेजिनेशन है उसके कितने फैंसी और इमेजिनेशन इन सब के ऊपर उसने बात की है, और ये बताया कि कितने जो है ना वो स्टेट्स हैं माइंड की, इमेजिनेशन की कितनी स्टेट्स हैं, इस तरह की यानी कि उसने ये बात की है। उसके बाद जो बहुत अहम तरीन इसका काम है वो लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर है। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि इससे पहले किसी बंदे ने शेक्सपियर पे कुछ भी नहीं लिखा था। कैसी इंटरेस्टिंग बात है, शेक्सपियर इतना बड़ा मास्टर राइटर है लेकिन किसी ने उसके ऊपर कोई चीज नहीं लिखी थी, कोई क्रिटिसिज्म, कोई एप्रिसिएशन, किसी किस्म का कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। और सब लोग जो हैं वो अपने जो है ना उन्होंने पुराने रूल्स ऐसे बनाए हुए थे, आर्बिट्ररी रूल्स थे, यानी कि जिस तरह डॉक्टर जॉनसन के रूल्स हैं, जिस तरह वो देख रहा था मेटाफिजिकल्स को, उसने इतनी जो है ना वो कहता है कि ये बड़े फजूल किस्म के पोएट्स हैं और ये सारी बातें वो करता है। तो उस वक्त लिटरेचर को जो क्रिटिसाइज जो कर रहे होते थे वो अपनी मर्जी से करते थे, मतलब कि जिसका जो दिल किया वो उसके बारे में ओपिनियन ले आता था, कोई सेट पैटर्न्स नहीं थे कि किन किन बुनियादों पे हम किसी वर्क को जज करते हैं, ठीक है। ये बात तो बहुत बाद में जाके इस्टेब्लिश हुई जो यानी कि ये कॉलरिज जब आया, यानी कि अगर आप शेक्सपियर से देखें तो ये तकरीबन 1850 में ये पब्लिश हुई है, ठीक है, 1849 में, सॉरी, ठीक है, और 1849 में, और उस वक्त तक शेक्सपियर के ऊपर किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, इतने साल गुजर गए हैं। और इसने फिर क्या किया, इसने एक तो इसमें यह काम किया कि इसने कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। और फिर इस जैसा एनालिसिस
उस वक्त तक किसी बंदे ने कभी, यानी कि वो तो थे, यानी कि छोटे मोटे आर्टिकल्स वो तो जरूर पब्लिश हुए होंगे, लेकिन जो रियल वर्क था क्रिटिसिज्म का शेक्सपियर पे वो किसी ने नहीं किया था, ठीक है, ये फर्स्ट है। उसके बाद एक और जो इसने काम किया था, एड्स टू रिफ्लेक्शन, और एड्स टू रिफ्लेक्शन इसका फिलोसॉफिकल वर्क है। ये दो लिटरेरी हैं और ये जरा फिलोसॉफिकल वर्क है, क्योंकि इसके अंदर ये लिटरेचर से ज्यादा फिलोसफी और रिलीजन की बात कर रहा है, ठीक है, एड्स टू रिफ्लेक्शन। और इसके एक और भी जो है ना वो इसने लिखा था, माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, ठीक है, और ये जो इसका वर्क है माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, इसके अंदर भी इसने वो सिर्फ अपनी जो लिटरेरी अप्रोच थी उसके बारे में बात की है, ठीक है, लेकिन वो इतनी मशहूर नहीं है, ज्यादा इसकी मशहूर बायोग्राफी लिटरेरी वो अपनी क्रिटिसिज्म की जो एबिलिटी उसकी वजह से है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगला जो राइटर है जो कि बहुत ही लेस वेल नोन है, लेसर नोन है सॉरी, और उसका नाम है रॉबर्ट साउदे, साउदी या साउदे, ठीक है, साउदी वैसे ज्यादा इसकी मशहूर प्रोनाउंसिएशन है। साउदी जो है ये मशहूर क्यों नहीं हुआ, इसकी भी एक जो ना बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ नज़र आएगी, वो इंटरेस्टिंग, हालांकि इन तीनों पोइट्स को, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी, इन तीनों को क्या कहते थे, लेक पोइट्स कहते थे या लेकर्स कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इसीलिए इनको लेकर्स या लेक पोइट्स, ये दो इनके नाम हैं, लेक पोइट्स, ठीक है, ये तीन लोग हैं, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट साउदी। तो साउदी जो है इसने एक प्लान ये किया कि जी मैंने रोज़ाना एक कुछ ना कुछ लिखा करना है, ठीक है, और जो पोइट्री के लिए एक नेसेसरी टाइम पीरियड चाहिए होता है और जो वेट करना ज़रूरी है वो सब कुछ इसने नहीं किया, ठीक है। और अच्छा, अपने दौर में ना वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इतने मशहूर नहीं थे, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो बात है, जिस तरह हम पीछे भी देखते रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दौर में मशहूर नहीं हुए, ये जॉन डन है जिस तरह अपने दौर में मशहूर ही नहीं था, बाद में जाकर इतना मशहूर हो गया। तो रॉबर्ट साउदे अपने दौर में बड़ा, साउदी जो है ये अपने दौर में बड़ा मशहूर बंदा था, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली लिख रहा है और उसकी कोई ना कोई चीज़ें आती जा रही हैं, वर्क्स जो है वो पब्लिश होते जा रहे हैं, और इसीलिए इसे पोएट लॉरेट भी बना दिया गया, ठीक है, पोएट लॉरेट था ये उससे पहले, वर्ड्सवर्थ से पहले ये पोएट लॉरेट है, ठीक है, और जब ये इसकी डेथ हुई है उसके बाद वर्ड्सवर्थ को बनाया गया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था, और जो मैगजीन रिव्यूअर्स थे वो इसको यानी के लिखते थे इसके बारे में भी। साउदी जो है इसकी अगर आप प्रोज वर्क्स देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है निस्बत के इसकी पोइट्रीज है, ठीक है, और जो इसने प्रोज वर्क्स था वर्क्स हैं उनमें एक इसकी बुक है लाइव्स ऑफ ब्रिटिश एडमिरल्स और हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील और पेनिनसुला वॉर, ठीक है, ये पेनिनसुलर वॉर, ये इसने कुछ जो ना वर्क्स लिखे हैं, और लेकिन ये मशहूर पोइट नहीं है, इसके बारे में सवाल वगैरह नहीं आ सकता, सिर्फ ये वो आपसे पूछ सकते हैं कि लेकर्स जो थे या लेक पोइट्स जो थे उनमें कौन कौन शामिल थे, ठीक है, या दो के नाम वो लिख देंगे, तीसरे का आपसे पूछ लेंगे, या हो सकता है वो एक का नाम लिखें और बाकी दो का नाम पूछ लें, ठीक है, तो ये आपने या इन तीनों का नाम लिखा और आपसे पूछे हैं कि भाई इनको क्या कहा जाता है, तो ये लेक पोइट्स हैं। अच्छा, इसके बाद एक और बंदा है जी, लॉर्ड बायरन, वैसे तो अच्छा पोइटिक एतबार से अगर देखा जाए ना तो ये जो लॉर्ड बायरन और शैले और इनसे पहले कीट्स का यानी कि आता है, लेकिन एज वाइज अगर देखा जाए तो लॉर्ड बायरन इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ा, यानी कि पहले इनसे आया टाइम पीरियड उसका जो है, और इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है जॉर्ज गॉर्डन, ये इसका ओरिजिनल नेम है, ठीक है, लॉर्ड बायरन का, ये भी मैं लिख देता हूँ, जॉर्ज गॉर्डन। अच्छा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका है, जो इसका यानी ओरिजिनल नेम है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ये बंदा कौन है, जो लॉर्ड बायरन और शैले, ये दो बंदे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी एक एक्टिव जो है रोल प्ले किया है, और ये दोनों बंदे ही इंग्लैंड को छोड़ के चले गए थे, ठीक है, यानी कि हेल्थ इशूज़ भी थे और दूसरे पॉलिटिकल रीजन्स वो भी थे, और इन दोनों ने इंग्लैंड को छोड़ दिया और इटली में जाके जो है ना वो सेटल हुए। लॉर्ड बायरन जो है ये तो बल्कि एक वॉर के अंदर भी शामिल हुआ
और वो वॉर जो थी वो इधर थी, क्या उस वॉर का नाम मेरे ज़हन से बिल्कुल स्किप हो गया एकदम, आप में से किसी को अगर याद हो, एक एक वॉर में इसने जो है ना बड़ा पार्टिसिपेट किया था। चले मैं इसे ब्रेक में ज़रा इसको सर्च करूँगा कि कहाँ इसने किया था। हाँ जी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी गुड जी, यही मैं सोच रहा था कि उसकी कौन सी वॉर थी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसके अंदर इसने हिस्सा लिया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसने, ठीक है। और वैसे ये एक इसका जो जनाब कैसे लेम था ये, ठीक है, इसका एक पाँव जो था वो ठीक नहीं था। और लेकिन वैसे अगर इसकी देखा जाए तो ये बड़े इसके शार्प फीचर्स थे, और ये लगता है ऐसे है, इसकी एक तस्वीर कई तस्वीरें हैं इसकी जो इसने ओरिएंटल ड्रेसिंग में की हुई हैं, ठीक है, यानी कि जो मशरकी कपड़े पहन के इसने तस्वीरें अपनी जो हैं वो बनवाई हुई हैं। तो उन तस्वीरों को देख के आपको कहीं से लगेगा नहीं कि ये एक अंग्रेज बंदा है, ठीक है। तो इसके इस तरह के यानी कि फीचर्स हैं, और इसकी पोएट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा ओरिएंटल एलिमेंट है, ठीक है। अब ये ओरिएंटल एलिमेंट क्यों आता है वो मैंने जो पीछे आपको बताया था कि ओरिएंटल इमेजेस भी यहाँ पे नज़र आते हैं, वो इसलिए कि अब क्योंकि कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, इंडिया और जो बाकी इलाके हैं यानी कि अफ्रीका, इन सारों के साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मतलब शिप्स आ रही हैं और उनमें माल दौलत भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और साथ उनके स्टोरीज भी आ रही हैं, ठीक है। स्टोरीज किस तरह आती हैं कि जो भी कैप्टन्स हैं, जो उनके सी कैप्टन्स हैं, जो भी सारे लोग होंगे सॉरी शिप के कैप्टन्स हैं और बाकी जो सेलर्स हैं, तो वो सारे आके स्टोरीज भी ज़रूर सुनाते होंगे कि हम जब इंडिया गए हैं वहाँ पे क्या क्या कुछ हमने देखा, हम अफ्रीका गए हैं हमने क्या कुछ देखा, ठीक है। और उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो वो ज़ेब दास्तान के लिए ज़रा बढ़ा चढ़ा के बयान करते होंगे, एग्जैजरेट करते होंगे, ठीक है। तो इसलिए एक एग्जॉटिक फीलिंग जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी कि जो ओरिएंट है उसके अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये इस तरह इनके देखते थे कि कलर्स का जो लैंड है वो ओरिएंट है। और क्यों ऐसा होता था, वो इसलिए कि जब कलरफुल, वो इसलिए इसको समझते हैं क्योंकि वहाँ पे मौसम ज़्यादा है। ये जो मशरक़ है इसके अंदर मौसम ज़्यादा है। इंग्लिस्तान में अगर आप देखें तो आप उनके पास जो समर है बहुत शॉर्ट टाइम है, ऑटम का भी शॉर्ट टाइम है, असल तो विंटर ही विंटर उनका चलता रहता है। तो लेकिन जो स्प्रिंग भी एक बहुत शॉर्ट जो है ना वो स्पैन ऑफ टाइम आता है, लेकिन जो इंडिया या ये सारे जो इलाके हैं इधर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक वेदर जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म का है। तो इस वजह से ये सारे एग्जॉटिक इमेजेस जो हैं वो शुरू हो गए थे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि लेक्चर का टाइम वो एंड हो रहा है, और उसके बाद हम 10-15 मिनट्स इसको देंगे और फिर हम क्लासिकल पोएट्री जो है उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।